खाना खाने के बाद लोगों की सबसे पसंदीदा आदत होती है बिस्तर में लेट जाना या आराम से किसी कुर्सी या टेबल पे बैठ जाना, लेकिन ये हमारी खाना खाने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है। अगर डॉक्टर्स की बात माने तो ऐसी गलतियां करने से ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हार्मफुल हो सकता है और हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो काम हम खाना खाने के बाद रोज़ करते रहते हैं, जिनको हम अपनी आदत बना चुके हैं, वो हमारे लिए कितनी हानिकारक और हमारे लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती हैं आगे चल के। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाना खाने के बाद हमें कौन सी आदतें छोड़ देनी चाहिए और उन आदतों को नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी हार्म ना पहुँचे और हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो अब शुरू करते हैं। नंबर एक पे आता है पानी पीना। खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए और ख़ासकर ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसका रीज़न एकदम सिंपल सा है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारी डाइजेशन की पावर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारे पेट में कुछ डाइजेस्टिव एसिड्स निकलते हैं और जब हम पानी पी लेते हैं तो उन डाइजेस्टिव एसिड्स की पावर लो हो जाती है, जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता और पेट में फैट और मोटापा जमने लगता है। तो मोटापा बढ़ने की एक वजह ये भी है कि खाना खाने के तुरंत बाद हम अच्छा खासा पानी पी लेते हैं और खासकर लोग ठंडा पानी और पी लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उनका खाना अच्छे से नहीं पच पाता, उनकी बॉडी में फैट जमा होने लगता है और फैट जमना ही मोटापा बढ़ने का कारण होता है। तो अगर आपको मोटापे से बचना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छे से पचे तो आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी को अवॉइड करिए। संभव हो तो पानी पीजिए ही मत और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जितना हो सके कम से कम पानी पीने का प्रयास करिए। नंबर दो पे आता है नेवर लाई डाउन और गो फॉर स्लीप आफ्टर अ मील। मतलब कि हमें खाना खाने के बाद कभी लेटना नहीं चाहिए और खाना खाने के बाद हमें कभी सोने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे पेट में बहुत सारे डाइजेस्टिव एसिड्स निकलते हैं, तो उन डाइजेस्टिव एसिड्स में से एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे पेट में लोहे को भी गला सकता है। तो जब भी हम कभी खाना खाने के बाद लेट जाते हैं या सोने के लिए चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे पेट के जो डाइजेस्टिव एसिड्स होते हैं और खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारी फूड पाइप इसोफेगस में आ सकते हैं और उनके एसिडिक नेचर के कारण वो हमारी फूड पाइप को जला सकते हैं। तो खाना खाने के बाद लेटना और सोने चले जाना ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद हमें ये दो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर तीन पे आता है नेवर रश टू शावर आफ्टर अ मील। मतलब कि खाना खाने के बाद हमें कभी नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको खाना खाने के बाद नहाना है तो उसके लिए आधा घंटा रुकना सबसे अच्छा हो सकता है। तो खाना खाने के बाद हमको इसलिए नहीं नहाना चाहिए कि खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे खून को हमारी स्किन की तरफ तेज दौड़ना होगा हमारी बॉडी से हीट रिलीज करने के लिए, और अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारे ब्लड को हमारी स्किन की ओर जाना पड़ेगा हमारी स्किन को वार्म यानी गर्म करने के लिए। तो खाना खाने के बाद अगर हम तुरंत नहाने के लिए जाते हैं तो जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है खाने को पचाने के लिए, वो एनर्जी नहाने के बाद हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में वेस्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से नहीं पच पाता है। नंबर चार पे आता है ड्रिंकिंग टी। चाय हमारे लिए सेहतमंद तो होती है और हमें एनर्जी भी देती है, लेकिन खाना खाने के बाद हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय हमारी बॉडी में आयरन अब्सॉर्प्शन को बहुत कम कर देती है। चाय में ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और आयरन को जकड़ लेते हैं, मतलब कि पकड़ लेते हैं और उसे हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में आयरन का अब्सॉर्प्शन 87% कम हो जाता है और जिसके कारण हमें अमीनिया, डिजीनेस और वीकनेस, कमजोरी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। उससे होता यह है कि हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि हड्डियों को पावर के लिए आयरन चाहिए और हमारी मसल्स नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि मसल्स को बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, और खाना खाने के बाद चाय पीने से हमारी बॉडी में आयरन और प्रोटीन का अब्सॉर्प्शन रुक जाता है। तो इसीलिए हमें खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। नंबर पाँच और आखिरी पे आता है हमें खाना खाने के बाद फल नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स हम सबको रिकमेंड किए जाते हैं और हम सबको फल खाने चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता।
वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसे से पचने के लिए 20 मिनट का टाइम लगता है, और 20 मिनट के वो हमारे पेट से इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है और वहां वो जाके फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद लेट्स से बनाना खा लेते हैं, तो उससे होगा ये, जो हम बनाना खाएंगे वो हमारे फूड के साथ स्टक हो सकता है, मतलब उसके साथ फंस सकता है। बनाना को तो 20 मिनट में ही पचना है और खाने को 8 घंटे में पचना है, तो उससे होगा ये, जिस खाने को 20 मिनट में पचना है वो उसके साथ फंस जाएगा, तो वो वहां पे सड़ने लगेगा, वहां पे खराब होने लगेगा, और वो खराब होगा तो जिस खाने के साथ वो फंसा है, मतलब आपके फूड के साथ, वो उसे भी खराब करेगा। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद कभी फल नहीं खाने चाहिए। तो एंड में सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए समरी, नंबर 1 पे हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नंबर 2 पे हमें खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए और सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, नंबर 3 पे हमें खाना खाने के बाद नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए, नंबर 4 पे हमें खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, और फाइनली नंबर 5 पे हमें खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। अगर आपको जानना है कि हमें तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको जानना है कि स्वादिष्ट खाना देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लॉजिकल टॉक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।